हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापत आज आपके लिए आरआरबी स्टाफलर्स मॉक टेस्ट 7 लेके आ गया हूँ। ये क्वेश्चंस आपके आरआरबी रेलवे के अलावा एम्स, डीएसएसबी, बीएचयू, पीजीआई, रोहतक, वेस्टर्न कोल फील्ड आदि नर्सिंग एग्जाम में बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो में साथ जरूर बने रही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करें, साथ अपने चैनल नर्सिंग ट्रेंड को सब्सक्राइब करें, पास मेरा बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि नर्सिंग ट्रेंड के किसी भी वीडियो का फ्यूचर में कभी भी मिस नहीं करोगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि आरआरबी रेलवे से ओल्ड क्वेश्चंस पेपर, मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट पेपर का एक वीडियो की सीरीज है, वो मैंने प्लेलिस्ट के रूप में बनाई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो के एंड होने के बाद उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। आपके आरआरबी रेलवे के स्टाफ नर्स पेपर के लिए वो प्लेलिस्ट है वो बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट आर, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट है ये किस टाइप के जॉइंट होते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो गया। कालचक्र सेरेमनी इज एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियन, कालचक्र सेरेमनी है ये निम्न में से किस धर्म से संबंधित होती है? बौद्ध धर्म से संबंधित होती है। ऑप्शन बी बुद्धिज्म इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजिशन इज फेवरेबल फॉर इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, IVP इंट्रावीनस पाइलोग्राफी के लिए सुपाइन पोजिशन है ये सबसे बेस्ट या फिर फेवरेबल होती है। ऑप्शन डी राइट हो गया। द प्रोसीजर द नर्स वुड यूज टू सक्शन ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी वुड बी, न्यू बॉर्न बेबी को सक्शन करने के लिए क्या प्रोसीजर है वो नर्स यूज करेगी? फर्स्ट सक्शन द माउथ, सबसे पहले माउथ का सक्शन किया जाएगा, ये प्रोसीजर है ये न्यू बॉर्न बेबी को सक्शन करने के लिए नर्स है वो यूज करेगी। सबसे पहले माउथ का सक्शन किया जाएगा, उसके बाद में नोज का सक्शन किया जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो गया। ए पेशेंट विद सस्पेक्टेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज एडवाइज्ड फॉर द यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू कलेक्ट द स्पेसिमेन फ्रॉम, पेशेंट्स है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से सस्पेक्टेड है और उसको यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए एडवाइज किया गया है, तो नर्स पेशेंट को एडवाइज करेगी कि जो स्पेसिमेन है यूरिन का वो कैसे कलेक्ट करना है, तो उसको एडवाइस दे जाएगी। मिडिल स्ट्रीम ऑफ द यूरिन फ्रॉम द ब्लेडर, यानी जो मिड स्ट्रीम यूरिन है वो यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए कलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन सी है वो राइट है। विच इज़ द बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया, इंडिया में सबसे बिगेस्ट जो मस्जिद है मॉस्क है वो कौन सी है? मेक्का मस्जिद है, मेक्का मॉस्क है ये हैदराबाद में सिचुएटेड है और इंडिया की सबसे बिगेस्ट मॉस्क है। ऑप्शन बी राइट। हु वाज फर्स्ट वुमन स्पीकिंग हियरिंग एंड विजुअल डिसेबल टू ग्रेजुएट, कौन सी वुमेन है जिन जो कि स्पीकिंग रूप से, हियरिंग रूप से और विजुअल रूप से डिसेबल थी और उन्होंने पहली बार ग्रेजुएशन किया? हेलर केलर है जो कि फर्स्ट ऐसी वुमन थी जो कि स्पीकिंग, हियरिंग और विजुअल डिसेबल थी और उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ऑप्शन ए राइट। विच ए चाइल्ड विद कंजेनाइटल मेगाकोलन इज एडमिटेड फॉर सर्जिकल करेक्शन, द एनिमा शुड बी गिवन, चाइल्ड जो कि कंजेनाइटल मेगाकोलन से पीड़ित है और उसको अब सर्जिकल करेक्शन यानी ऑपरेशन के लिए एडमिट किया गया है, तो उसमें कौन सा एनिमा है वो दिया जाएगा? आइसोटोनिक सेलाइन एनिमा है, उसकी बावल्स और उसकी जो इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, उसको वॉश करने के लिए आइसोटोनिक नॉर्मल सेलाइन का एनिमा है वो इस टाइप के पेशेंट में दिया जाता है। ऑप्शन डी है वो राइट हो जाता है। विच ड्रग कॉजेज द साइड इफेक्ट रेफर्ड एज ग्रे बेबी इन न्यूनेट्स, न्यूनेट्स में कौन सी ड्रग है उसके साइड इफेक्ट है एज ए ग्रे बेबी है वो रेफर्ड किए जाते हैं, यानी कौन सी ड्रग्स के यूज से ग्रे बेबी साइड इफेक्ट्स है या वो हो जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है क्लोरमफेनिकोल है, क्लोरमफेनिकोल इसकी वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम या ग्रे बेबी साइड इफेक्ट्स है वो होते हैं। ऑप्शन ए है वो राइट है। इफ केस डिस्काउंट इज 10% ए बुक बोट फोर आरस 9 इज वैल्यूड 8, एक बुक जिस पे 10% का केस, 10% का जो डिस्काउंट केस है वो मिल रहा है और ये बुक है वो 9 रुपये में खरीदी गई है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? तो इस बुक की एक्चुअल वैल्यू है वो 10 रुपीज़ होगी है। 10 रुपीज़ का जब आपने 10% डिस्काउंट निकालेंगे तो ये
9 रुपीज़ में अपने आ गई है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है, ऑप्शन सी है वो राइट हो गया। विच कंट्री इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ नाइल या फिर गिफ्ट ऑफ नील, कौन सी कंट्री है इसको गिफ्ट ऑफ नील है वो कहा जाता है, ऑप्शन डी है वो राइट हो जाता है। जो इजिप्ट है उसको गिफ्ट ऑफ नील नदी या गिफ्ट ऑफ नाइल कहा जाता है। लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड्स में जो लार्जेस्ट रिवर है वो अमेजोन है, ये क्वेश्चंस भी आ सकता है। और लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है वो है नील नदी या जिसको नाइल नदी भी कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखने लिए हैं, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड नील नदी और लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अमेजोन रिवर है, ये लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। और गिफ्ट ऑफ नील है ये इजिप्ट कंट्री को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 150 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, इफ वन नंबर इज 25 द अदर नंबर इज, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ है वो 150 और 5 है, और एक संख्या है वो यहाँ पे 25 है, तो दूसरी संख्या है वो कौन सी होगी। 150 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, सबसे पहले एलसीएम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो एक संख्या 25 है और ऐसी ऑप्शंस में से कौन सी संख्या है जिसका 150 में भाग जाता है, तो 150 में भाग जाने वाली जो संख्या है वो यहाँ पे 30 आ जाती है। फिर एचसीएफ की तरफ से देख लेते हैं, तो एचसीएफ यहाँ पे है 5, तो ऐसी कौन सी ऑप्शंस में संख्या है जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 5 का भाग है वो 20 में भी जाता है, लेकिन 20 है वो एलसीएम रूप से 150 से डिवाइड नहीं होती है, 150 में 20 का भाग है वो नहीं जाता है, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन डी है वो राइट हो जाता है। 25 और 30 दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 150 आएगा और एचसीएफ है वो 5 आ जाएगा, डी यहाँ पे राइट हो जाता है। Which of the following organ breaks fat to produce cholesterol, वो कौन सा organs है जो कि fat को breaks करता है cholesterol produce करने के लिए, liver है ये cholesterol produce करने के लिए fats को break करता है, option A है वो right हो जाता है। The best method that can be used to sterilize a catheter is, कैथेटर को स्टरलाइज करने के लिए बेस्ट मेथड है वो कौन सा यूज किया जाता है, रेडिएशन, ऑप्शन डी है वो राइट हो जाता है। कैथेटर को स्टरलाइज करने के लिए रेडिएशन मेथड है वो यूज किया जाता है। विच सिटी इज कॉल्ड ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान, कौन सी सिटी है राजस्थान की जिसको ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी राइट होता है, जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। Who is the first recipient of Dr. APJ Abdul Kalam Award instituted by Government of Tamil Nadu in 2015? वो कौन है जिनको पहला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड है वो दिया गया 2015 में और ये गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा दिया गया, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है, एन वल्लार मथाई है, इनको पहला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2015 में गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा दिया गया, एन वल्लार मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन परफॉर्मिंग कोलोस्टोमी इरिगेशन द नर्स इंसर्ट्स द कैथेटर इनटू द स्टोमा अप टू, स्टोमक नहीं है स्टोमा है ये फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान दे लेना है। तो जब आपको कोलोस्टोमी इरिगेशन आप कर रहे हो तो जो कैथेटर है वो स्टोमा में कितना इंसर्ट किया जाना चाहिए, तो 5 सेमी तक है वो कैथेटर को इंसर्ट किया जाना चाहिए कोलोस्टोमी इरिगेशन करते वक्त स्टोमा में, ऑप्शन बी है वो राइट हो जाता है। चाणक्य वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ एडवाइजर ऑफ विच किंग, चाणक्य है वो कौन से राजा के प्राइम मिनिस्टर यानी मुख्य मिनिस्टर थे एंड चीफ एडवाइजर थे, चंद्रगुप्त मौर्य है ये राजा थे जिनके चाणक्य जी है वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ एडवाइजर भी थे, ऑप्शन सी है वो राइट हो जाता है। द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस इज,
बॉडी के बैलेंस के लिए कौन सा ऑर्गन है वो रिस्पॉन्सिबल है, ईयर ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है, ईयर है ये बॉडी के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाइल इज स्टोर्ड इन, बाइल है वो कहाँ पे स्टोर होता है, गाल ब्लेडर में बाइल है वो स्टोर होता है, और बाइल को सिंथिसाइज है वो लीवर के द्वारा किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइल को किसके द्वारा सिंथिसाइज किया जाता है, तो वो लीवर आएगा, और बाइल है वो गाल ब्लेडर में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ फ्रैक्चर विच अकर्स कॉमनली इन चिल्ड्रन इज, चिल्ड्रंस में किस टाइप का फ्रैक्चर है वो कॉमनली होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है ये चिल्ड्रन में कॉमनली होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में जो ग्रीन स्टिक्स होती है हरी लकड़ी मुड़ती है उसी की तरह बोन है ये मुड़ जाती है, ऑप्शन बी है वो राइट हो जाता है। व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 15 डेज या फिर 14 डेज का जो इंक्यूबेशन पीरियड है चिकन पॉक्स का होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबल प्राइज, फर्स्ट इंडियन कौन से है जो कि नोबल प्राइज रिसीव किया था, जिनको सबसे पहले इंडिया के कौन से नागरिक है जिनको नोबल प्राइज मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर है इनको सबसे पहले इंडिया की तरफ से, इंडिया के ये है जिनको नोबल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, इंडिया में कौन सा है वो लॉन्गेस्ट बीच है, ऑप्शंस में जो मेरीना बीच है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 95% ऑफ स्टूडेंट वर प्रजेंट इन द क्लास एंड 18 वर अबसेंट, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज, यानी 95% है वो अबसेंट है और यहाँ पे नंबर दिया गया है कि 18 है वो यहाँ पे अबसेंट है, तो अपने अबसेंट कैंडिडेट्स के द्वारा टोटल स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो 95% है मीन्स 5% स्टूडेंट है वो अबसेंट यहाँ पे हो गए हैं। टोटल कितने स्टूडेंट है वो अपने को पता नहीं है तो इनको एक्स मान लेते हैं, और कितने स्टूडेंट है वो अबसेंट है तो टोटल संख्या दी गई है यहाँ पे 18 स्टूडेंट है, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा 5x एंड नीचे आपके 100 आ गया और यहाँ पे आपका ये है वो 18 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से ये 18 आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस नहीं है, ये इजिकल टू इक्वल का निशान है। अब इसको सोलो जब आप करोगे तो यहाँ पे जो x को आप ले गए, एक्स है इसका मतलब ये आ जाएगा कि ये 100 है और ये 18 ऊपर आ जाएंगे और 5 है वो नीचे आ जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये आपके आ जाएगा 360 स्टूडेंट्स टोटल इस क्लास में हैं, जिसमें से 95% है वो स्टूडेंट प्रजेंट है और 5% यानी 18 स्टूडेंट है वो अबसेंट है। 360 टोटल डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। द मेन कोज ऑफ प्लेग इज, प्लेग का जो मेन कोज या फिर जो कोजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, तो पास्टुरेला पेस्टिस है ये प्लेग का कोजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, मेन कोज होता है, ऑप्शन सी है वो राइट हो गया। द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या होता है, जर्म प्लाज डिफेक्ट है ये स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कोज होता है, ऑप्शन डी है वो राइट हो जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनएसवी इज द वन ऑफ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, एनएसवी है ये बर्थ कंट्रोल का एक मेथड है। एनएसवी स्टैंड्स फॉर, तो एनएसवी की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन स्केलपल वेसेक्टोमी है वो एनएसवी की फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है, नॉन स्केलपल वेसेक्टोमी। तो फ्रेंड्स ये हो गए हैं आज के क्वेश्चंस। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर के साथ साथ अपने चैनल नर्सिंग ट्रेंड को सब्सक्राइब कर ले, पास मेरा बेल आइकन भी दबा ले। जल्दी हाजिर होता हूँ एक नया और अच्छा वीडियो लेकर, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, थैंक यू फ्रेंड्स।